श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे गाय के दूध के बारे में, खास करके गाय के दूध के A2 प्रोटीन के बारे में। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि संसार की भूख हम अन्न द्वारा मिटा सकते हैं, परंतु कुमार्ग की ओर ले जाने वाली बुद्धि तो गोदुग से ही मिटाई जा सकती है। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर से एक संवाद में पूछते हैं अमृत किम, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं गवामृतम, मतलब गौ दूध ही अमृत है। यह शास्त्र वर्णित श्लोकों में यह प्रमाणित होता है कि इस धरती पर अगर कोई अमृत है तो वह सिर्फ और सिर्फ हमारी भारतीय देशी गाय का दूध में ही है। हमारे देश के ऋषि मनीषियों ने गोपालन, गो पूजन, गोदान, गो संवर्धन आदि गो सेवा के कार्यों की महत्वपूर्ण प्रशंसा बहुविधि से जांच पड़ताल करके की थी। दूध देने वाले और भी पशु हैं, पर गाय का दूध ही अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? साइंटिफिक रीजन है कि गाय की रीढ़ की हड्डी के अंदर सूर्य केतु नामक नाड़ी होती है। सूर्य की किरणें जब गाय के शरीर को छूती हैं तब सूर्य केतु नाड़ी सूर्य किरणों से स्वर्ण बनाती है। इसी कारण गाय के दूध और मक्खन में पीलापन होता है, इसमें विषनाशक तत्व होते हैं। अभी जीवन भर गौ दूध पीने वाले व्यक्ति को कैंसर कभी नहीं होगा। इसका कारण है शुद्ध सोना, जो गौ दूध पान करने वाले के शरीर में जाता है और शरीर के नस नस में प्रवेश कर उसे पूर्ण रूप से शुद्ध, पवित्र और निर्मल बना देता है और बुद्धि परम विशुद्ध हो जाती है। आयुर्वेद शास्त्रों में गोदूध के गुण और धर्म मैं आपको बताता हूं। एक तो स्वादिष्ट होता है, रुचिकर होता है, बलकारक होता है, अतिपथ्य होता है, कांतिप्रद, बुद्धि, प्रज्ञा, मेघा, दृष्टि, वीर एवं शुक्र को बढ़ाता है, आयु को दृढ़ करता है, हृदय, रसायन, गुरु, पुरुषत्व ये सब प्रदान करता है। ये बहुत सारे रोगों को नष्ट करता है, जैसे वात पित्त विष, वात रक्त, रक्त पित्त, अतिसार, उदावर्त, भ्रम, कास, मद, श्वास, मनोव्यथा, जीर्ण, ज्वर, हृदय रोग, पिपासा, उदर, अपस्मार, मूत्रकच्छ, गुल्म, अर्श, प्रवाहिका, पांडु, शूल, अम्लपित्त, क्षय रोग, अतिश्रम, विस्मिग्नी, गर्भपात, यौन व्याध और बात रोग। ये मधुर, शीतल, मृदु ये तो होता ही होता है। गोदूध पथ्य सब रोगों की अवस्था में सेवन करने वाले योग्य रसायन, बलकारक, हृदय के लिए हितकारी, बुद्धिवर्धक, आयुवर्धक, वीर्यवर्धक, वातनाशक और रक्तपित्त के विकारों को दूर करने वाला है। अभी ओज का जो स्थान है वो हमारा हृदय है। इसकी कमी से हृदय रोगों की बाढ़ आ जाने के कारण देसी गाय का दूध व्यवहार में आने की कमी है। ओज का ही स्वरूप तेज है, सिर्फ गोदूध ही ओजवर्धक है, यह गोदूध की विशेषता है। गोदूध विषाद को नष्ट करके प्रसन्नता देता है। गाय का दूध कैल्शियम और फास्फोरस का भंडार है। कैल्शियम की दृष्टि से गोदूध सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि दूध के कैल्शियम को हमारा शरीर सरलता से सोख लेता है। हड्डियां व दांत कैल्शियम और फास्फोरस से बने हैं। गाय के दूध में सोडियम सर्वाधिक होता है, इससे विषैले तत्वों का निष्कासन होता है। बालकों के भोजन की कमी के कारण जो रोग जहां कहीं भी हो उनमें से 90% रोगी अच्छे हो सकते हैं यदि उनमें से हर एक बालक को 2.5 सेर गोदूध रोज दिया जाए। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।